अब यहाँ जब रिजॉर्ट बन जाएगा ना, तो फिर हम इसको कह सकते हैं 100% मालदीव्स ऑफ सऊदी अरबिया। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया। कि एक काफ़ी लंबी ट्रिप हम लोगों ने प्लान करी है, उसको मतलब इतनी लंबी ट्रिप प्लान करी है कि उसको प्लान करने में भी 3-4 दिन लग गया, पूरा रूट बनाने में। कई बार इधर से बनाया उल्टा, कभी इधर। फाइनली रूट बन गया है, आइटनरी रेडी है इंशाल्लाह। और हम लोग सबसे पहले डेस्टिनेशन हम लोग करेगा यम्बू, मतलब कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यम्बू में रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से हम लोग जाएंगे उमलुज, जिसको कहते हैं मालदीव्स ऑफ सऊदी अरबिया। काम काफ़ी लंबा चल रहा था अभी तक, सारा पूरा यहाँ पे सब बिखरा पड़ा हुआ है, सारा तामझाम जो था सबको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। जितने गियर ले जाने वाले हैं सबको पैक कर लिया है, और जो गियर छोड़ने वाले हैं सबको छोड़ दिया गया है। तो जल्दी से एक नैप लेते हैं, सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, फिर निकलेंगे यहाँ से मालदीव्स ऑफ सऊदी अरबिया। तो सामान सारे रख लिए गए, सामान देख रहे कितना सारा, फैमिली ट्रिप इसलिए। सो लेट्स गेट गोइंग। या बहकतन मिन तिफलती व गुरफतन हिया फिलती व रगीफ खुब्ज याबस असुद फीहा जौअती أسد فيها جوعتي يا ضحكة من طفلتي وغرفة هي فلتي. So currently we are in Yambu. Arabic में आप पढ़ते तो बोलते Yamba, और अब वहीं पे आप पढ़ते हैं English में तो आप बोलते हैं Yambu। और ये बिल्कुल सी शोर के साथ साथ हम चल रहे हैं, कोस्ट लाइन के साथ साथ, ये कॉर्निश है साथ में, तो अभी थोड़ी सी गर्मी है, जाएंगे वहाँ पर भी, अभी कॉर्निश पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे यम्बू बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब ऐसे सिटी नहीं है, डिवाइडेड है, कई सारे रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया में डिवाइडेड है 3-4 जगह में। तो यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, सनसेट बीच, ये हम लोगों ने इसको बुक किया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होता है ना, फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ खाने पीने का ले लिया जाए, भूख लगी है, रास्ते भर तो खाते पीते आए हैं, लेकिन अब पहुंचने वाली जो भूख होती है ना यार, ये भी बंद है यार, क्या हो गया यार? हाँ, दिस इज़ ओपन। ये गर्मी की वजह से ना इनने सारे शटर डाउन कर रखे हैं, सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, जिसकी वजह से ये रीज़न होगा मेरे ख्याल से, वो वाला भी खुला होगा। अब वो हम लोग वहाँ पर आगे जा रहे हैं, तो बीच पर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, और ये सनसेट यहाँ पर बहुत प्यारा आएगा। वाह, ये थोड़ा सा आप देख रहे ना, अच्छा समुंदर के अंदर गया हुआ है थोड़ा सा, अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। और अभी सबसे अच्छी बात है यहाँ कोई है नहीं, लवली सनसेट। बस 10 मिनट बचाए, कुछ टाइम लैप्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे समुंदर में ना यहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट वहाँ पर आगे में है। क्या ज़बरदस्त लग रहा भाई साहब, A1, बड़ी प्यारी। तो इंस्टाग्राम पे एक दो पिक्चर डालूंगा यहाँ की, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल ये अपना, ठीक है? चलें, कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह ना, बहुत अच्छा टाइम हमने एरियल शॉट लिया, वीडियोस ली, उसके बाद अभी यहाँ पे आधा घंटा बैठे यार, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया, क्योंकि जब शूटिंग करते हैं तब तक तो दिमाग लगा रहता है ना, इन्जॉय नहीं कर पाते, लेकिन लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर भी अभी यहाँ पर 32-33 है, टेम्परेचर सही है, इंशाल्लाह अभी आगे नॉर्थ में जाते रहेंगे टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो ये होटल रूम था, एक फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है पूरा, ठीक ठाक अच्छा खासा अच्छा रूम है, और फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि अपार्टमेंट होते हैं, रूम्स नहीं होते हैं, रूम्स ये होते हैं छोटे होते, तो अपार्टमेंट ही लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर आस पास में बीच के। तो इसका कॉस्ट है अराउंड 200 रियाल्स, और पिछली बार हम लोग आए थे तो थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी थोड़ा सा महंगा हो गया। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से हम लोग निकल रहे हैं उमलुज के लिए, क्योंकि अभी देखिए 4 बज गए और अर्ली मॉर्निंग निकल रही, ठीक है? क्योंकि 6-6:30 जितना अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ पे बोटिंग कर लेंगे ना, उतना ज़्यादा मस्ती है। चले चले चले, चले। ये पॉइंट सिर्फ बोटिंग के लिए है, ये उमलुज सिटी से अराउंड 30-35 किलोमीटर आ गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बोट्स सिर्फ
मालदीव्स घूमने जा रहे हैं सऊदी। अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप पे चल रहा है ये उमलुज, मतलब जिसको भी पूछे पहले डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए सऊदी में, उमलुज। तो हम लोगों ने कहा चलो हम भी देखें है क्या ऐसा, आप लोग को भी दिखाते उमलुज। चले वहाँ पे अपनी एंट्री वगैरह करनी है, सबके इकामा सब यहाँ पे सबमिट हुए और डिटेल वगैरह ली है, फिर स्टार्ट होगी राइड इंशाल्लाह। फाइनली ऑन द बोट। وغرفة هي فلتي ورغيف خبز يابس أسد فيها جوعتي أسد فيها جوعتي يا ضحكة من طفلتي وغرفة هي فلتي ورغيف خبز يابس أسد فيها جوعتي أسد فيها جوعتي ये जितने भी आइलैंड्स हैं सब पे ना वो क्या नाम है यहाँ पे सब पे रिजॉर्ट बनाने का प्लान है, वो पूरा मालदीव की तरह डिज़ाइन कर रहे हैं इसको। वाह बिल्कुल ही शैलो है यहाँ पे, यहाँ पर नी हाइट तक बस, जितना अपना घुटने तक का पानी है बस, यहाँ थोड़ा गहरा है। हम लोग यहाँ थोड़ा और आगे तक जाएंगे स्नॉर्कलिंग करने के लिए, और फिलहाल यहाँ पर इधर में थोड़ा ब्लू वाटर है, तो कह रहे हैं उधर मत जाना वहाँ थोड़ा गहरा है, बाकी इधर जो है पूरा शैलो वाटर है, देख रहे कहाँ तक पानी। मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग वाले को ढूंढने के लिए। बहुत अच्छी जगह है यहाँ, सब लोग चिल कर रहे हैं पीछे चारों तरफ, और मैं जो है अपना सूट भूल के आ गया हूँ, अपने मैंने अपने साथ रखा हुआ था वो गाड़ी में छूट गया है, अब स्नॉर्कलिंग कर नहीं सकते, कह रहे हैं वहाँ तक पैदल जाइए, वो पीछे दूर में वो दिख रही है, कोशिश करते हैं। सूट भूल गया नहीं तो अपना यहाँ सूट पहन के इधर थोड़ा डीप में चले जाते, यहाँ पे ना पत्थर है बीच में छोटे छोटे, वो पैर में गड़ रहे थे इसलिए मैंने ना स्लीपर्स ले लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, अब यहाँ जब रिजॉर्ट बन जाएगा ना तो फिर हम इसको कह सकते हैं 100% मालदीव्स ऑफ सऊदी अरबिया। अभी यही कन्फर्म करने आए थे कि इसको मालदीव्स ऑफ सऊदी अरबिया क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे पानी की डेप्थ बहुत कम है, कहीं 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 वाइट है, कहीं ग्रीन है, कहीं ब्लू है, जहाँ डीप ज़्यादा है, कई सारे कलर्स हैं यहाँ पानी के, तो इस वजह से इसको मालदीव्स कहा जाता है। वो तो जहाँ पर भी आइलैंड होगा ये कलर्स आपको नज़र आएंगे। अबे वो दूर जाए जा रहा है यार, इतनी मोटर की आवाज़ खुद की होगी उनकी, तो बहुत दूर जा रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा स्नॉर्कलिंग करने आ रहे हैं ना, तो आप कम से कम भी 4 से 5 घंटा लेके आइए। अच्छा मैं बोट की डिटेल आपको थोड़ी सी दे देता हूँ, बोट नॉर्मली यहाँ पर बुक होती है 400 रियाल पर आवर, लेकिन हम लोगों ने इसको बुक किया है थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, कोई बीच में एजेंट वगैरह से नहीं मिले, तो इन बोट वालों ने हमसे 250 रियाल पर आवर लिया है, तो अब हम पे डिपेंड करता है हम कितना करेंगे। अच्छा यॉट है, मैं अभी यॉट ढूंढ रहा था, यहाँ पे यॉट कहीं दिख नहीं रही थी, फाइनली एक यॉट दिखी है यहाँ पे। यॉट के चार्जेस में अपने जो क्या बोलते हैं इसको कैप्टन से पूछ के बता दूंगा। तो हम पूरे भीग चुके हैं, किस चीज़ से पहुँचे लेंस भाई, हमने स्नॉर्कलिंग खुद ही कर ली, बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, यहाँ भी जाएंगे ना तो और अच्छी मछलियाँ आएंगी। यहाँ क्या है ना थोड़ा देर जाके ना आप शांति रखो, फिर सारी मछलियाँ बाहर आती हैं, अगर आप चलते रहोगे ना तो फिर वो मछलियाँ सारी अपनी अंदर चली जाती हैं। अच्छा समुंदर क्या है ना देखने में अच्छा लगता है,
और दिल करता है जल्दी से कूद जाए नहा लें, लेकिन जैसे ही कूदते हैं ना और मुँह में पानी जाता है सारा मूड ख़राब हो जाता है। चलें थोड़ी सी स्विमिंग वगैरह करेंगे, अभी अपने पास एक घंटा और बचा हुआ है। वो पीछे दो तीन आइलैंड उन्हें दिखाएं, और उन आइलैंड पर उतरना अभी फ़िलहाल मना है, ममनू है। तो एक जगह और है यम्बो के पास, वहाँ से भी आप जाते हैं, लेकिन वो आइलैंड काफ़ी दूर है। तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में उसका प्लान बना तो वो भी आइलैंड्स भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स टाइम टू गो बैक इंशाल्लाह। और काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया ना, दिलचस्प, एक नया एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पे अभी भी लोग काफ़ी लवली। चलें अब निकला जाए यहाँ से। तो भाई साहब ये कैमरा वैमरा के चक्कर में ना यार अपना स्विमिंग सूट ले जाना भूल गए। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सिर्फ स्नॉर्कलिंग के लिए आएंगे, यहाँ आएंगे या कहीं पे भी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है समुंदर का मेरा। तो कपड़े चेंज कर लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। ये हमारा बोट था आज का, हो गई वापसी और हम आगे निकल रहे हैं नॉर्थ में। तो जुड़े रहिएगा साथ में, अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि अब दो हफ्ते के लिए निकले हुए हैं। तो एंजॉय करते चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।